कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप सबका स्वागत है। हमारी जो हरियाणा जीके की करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। देखते हैं इसमें जो हमने क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस पर्वतारोही ने रुदुगैरा और गंगोत्री 3 की चढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी कि उत्तराखंड की इन दो चोटियों पर जो चढ़ाई करने का निर्णय लेने वाली पर्वतारोही का नाम है अनीता कुंडू। किसने फैसला लिया है बच्चों? अनीता कुंडू जी ने फैसला लिया है उत्तराखंड की इन दो चोटियों पर चढ़ने का। आपको बता देना चाहूं एडवेंचर के सबसे बड़े अवार्ड, एडवेंचर के सबसे बड़े अवार्ड तेंजिंग नॉर्गे से सम्मानित है, और तेंजिंग नॉर्गे से सम्मानित कौन है भाई? अनीता कुंडू। और उन्होंने ही कौन सी दो चोटियों पर चढ़ने का निर्णय लिया है? रुदुगैरा और गंगोत्री 3। और ये दोनों ही चोटियां कौन से राज्य में पड़ती है? उत्तराखंड में। कौन से राज्य में पड़ती है? उत्तराखंड में। अब बात करना चाहूं तो मैं अनीता कुंडू के बीते हुए समय की, तो इन्होंने जो पर्वतारोहण का कोर्स किया था वो कब किया था बच्चों? 2009 में। 2009 में इन्होंने पर्वतारोहण का बेसिक और एडवांस सभी तरह के कोर्स कर लिए थे, और इन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। इन्होंने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया? 2013 में। और जो इन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था वो कहाँ के रास्ते से किया था? नेपाल के रास्ते से। कहाँ के रास्ते से? नेपाल के रास्ते से। आप सबको पता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। फिर इन्होंने आने वाले समय में अगर बात करना चाहूँ 2017 में फिर इन्होंने दोबारा से किसे फतेह किया? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। लेकिन अब की बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को नेपाल के नहीं, किसके रास्ते से फतेह किया बच्चों? चीन के रास्ते से फतेह किया। फिर इन्होंने 2018 की अगर मैं बात करना चाहूं तो 2018 में इन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया। अगर बात करना चाहूं मैं आपके साथ 27 सितंबर 2019 की, तो 27 सितंबर 2019 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट के बराबर की ही एक चोटी को और फतेह किया, जिसका नाम है माउंट मानासुल। क्या नाम है उसका? माउंट मानासुल। इस माउंट मानासुल को बराबर की चोटी माना जाता है। किसके बराबर की? माउंट एवरेस्ट के बराबर की चोटी माना जाता है। अब इससे आगे अगर मैं इसमें बात करना चाहूं तो अनीता कुंडू के बारे में ही, तो अनीता कुंडू को राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने गोद ले रखा है। किसने गोद ले रखा है? राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने। क्योंकि आर के सिन्हा उन्हें अपनी बेटी मानते हैं और अपनी बेटी के समान ही उन्हें रखते हैं। और आर के सिन्हा की एक कंपनी है SIS। क्या नाम है कंपनी का भाई? कंपनी का नाम SIS है। यह SIS ही कंपनी सारा खर्चा उठाती है। किसका सारा खर्चा उठाती है? अनीता कुंडू का खर्चा उठाती है। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो आपको मैंने बताया था कि ये तेंजिंग नॉर्गे सम्मान से सम्मानित है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया है। इसके अलावा इन्हें कल्पना चावला अवार्ड भी मिला हुआ है। इसके अलावा इन्हें सर्वोत्तम महिला पुलिस अवार्ड भी मिला हुआ है। आप सबको पता है ये हरियाणा सरकार में किसके दिन नौकरी कर रही है? पुलिस डिपार्टमेंट के दिन नौकरी कर रही है। तो आपको इसमें दो पॉइंट और बताना चाहूंगा। जो रुद्रगैरा पर्वत शिखर है वो उत्तराखंड का है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है बच्चों? 5800 मीटर है। कितने मीटर है? 5800 मीटर है। उसके बाद अगर बात करना चाहूं गंगोत्री 3 की, तो गंगोत्री 3 भी माउंट एवरेस्ट, ये उत्तराखंड का एक पर्वत है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6700 मीटर है। कितनी है बच्चों? 6700 मीटर है। कितनी इसकी ऊंचाई? 6700 मीटर है। क्लियर है। और इन दोनों चोटियों पर चढ़ने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? अनीता कुंडू के द्वारा लिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में
स्वेच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कितने तरह के प्रेरक दौड़ सम्मान जारी किए गए हैं, यानी 2021 में जो स्वेच्छता सर्वेक्षण में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 5 तरह के प्रेरक दौड़ सम्मान जारी किए गए। कितनी तरह के? 5 तरह के। किसके द्वारा? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा भाई? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। जो हमारा केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय का 2021 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य अब की बार क्या है, अगर बात करना चाहूं मैं इसके मुख्य उद्देश्य की, तो मुख्य उद्देश्य इनका एक ही है, कूड़े का सही तरीके से निस्तारण करना। कूड़े का सही तरीके से निस्तारण करना, क्योंकि अब आपको पता है गीला कूड़ा अलग से डालने के लिए हरे रंग का बॉक्स है, जबकि सूखा कूड़ा डालने के लिए अलग से नीले रंग का बॉक्स है। यानी कुछ कूड़े का सही तरीके से निपटान करना उद्देश्य है कौन से स्वच्छता सर्वेक्षण का, 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण। और इसमें कितनी तरह के प्रेरक दौड़ सम्मान जोड़े गए? 5 तरह के। जो पहला है दिव्य यानी प्लेटिनम, दिव्य प्लेटिनम। उसके बाद आता है नंबर 2 पर गोल्ड का यानी अनुपम गोल्ड। उसके बाद अगर बात करना चाहूं मैं आपके साथ 3 नंबर की उज्जवल यानी सिल्वर। उसके बाद अगर बच्चों मैं बात करना चाहूं 4 नंबर की उद्दत यानी ब्रॉन्ज। और सबसे लास्ट में जो हमारा 5वां है उसका नाम है आरोही यानी एम्पायरिंग। ये 5 तरह के दिव्य दौड़ सम्मान जारी किए गए हैं। किसके द्वारा भाई? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअल किसान मेले के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है? जो यूनिवर्सिटी है जो विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है किसान वर्चुअल मेले के लिए कौन सी है? HAU, जिसकी फुल फॉर्म है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप सबको पता है यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? हिसार जिले में स्थित है। और इस यह यूनिवर्सिटी का नाम देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। जो यह यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है उस सॉफ्टवेयर का जो नाम होगा किसान होगा। किस नाम का सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है? किसान नाम का सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है कौन सी यूनिवर्सिटी? HAUNIVERSITY। क्योंकि आप सबको पता है HAUNIVERSITY में प्रति वर्ष सितंबर माह में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? कृषि मेला आयोजित किया जाता है। और अब की बार यह कृषि मेला कोरोना महामारी के कारण कैसा होने जा रहा है? वर्चुअल होने जा रहा है। इस वर्चुअल कृषि मेले में ना केवल भारत के किसान बल्कि विदेशों के किसान भी भाग ले सकेंगे। इस कृषि मेले में हम बीज से लेकर कृषि यंत्र तक सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मैं इसके अलावा और बात बताना चाहूं तो यह HAU जो कृषि वर्चुअल मेला आयोजित की जा किसकी तर्ज पर आयोजित करने जा रही है? लुधियाना के कृषि मेला की तर्ज पर, क्योंकि इसी तरह का वर्चुअल कृषि मेला इससे पहले पंजाब में आयोजित किया जा चुका है। कहां पर? पंजाब के लुधियाना शहर में आयोजित किया जा चुका है। उसी की तर्ज पर हरियाणा में भी HAUNIVERSITY के द्वारा अब की बार वर्चुअल किसान कृषि मेला आयोजित करने का फैसला लिया है। बच्चों ये आपके सामने मैंने यूनिवर्सिटी का समय द्वार जिसे कभी 4 नंबर गेट से नाम से जाना जाता था जिसे अब स्वर्ण जयंती द्वार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा में अब किस झील में बने टापू पर खाना खाने का लुत्फ़ उठा सकेंगे लोग जिसे विश्व पर्यटन दिवस पर शुरू किया गया? यानी
अब कौन सी झील है जहां पर लोग टापू पर बैठकर खाना खाने का लुत्फ उठा सकेंगे, तो यह झील कौन सी है भाई, ब्लू बर्ड झील। और ब्लू बर्ड झील कहां पर है भाई, इसार में है। अगर बात करना चाहूं तो हरियाणा टूरिज्म के द्वारा जो ब्लू बर्ड टूरिज्म केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1995 में स्थापित की गई थी। कब स्थापना की गई थी, 1995 में स्थापना की गई थी हरियाणा ब्लू बर्ड टूरिज्म की। और इसी के अंदर यह झील है, यह झील कितने एकड़ में फैली हुई, जो ब्लू बर्ड झील है वो कितने एकड़ में फैली हुई है, 16 एकड़ में फैली हुई है। जो ब्लू बर्ड झील की अगर गहराई की बात मैं करना चाहूं तो ब्लू बर्ड झील की जो गहराई है वो 5.5-6 फीट है, 5.5-6 फुट इसकी गहराई है। अगर इसमें और बात करना चाहूं तो इस झील में अब कुल कितनी बोटें हैं भाई, 9 बोट है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक बोट है, जबकि 8 पैडल वाली बोटें हैं। इसके अलावा इसमें रेस्टोरेंट भी है, एक होटल भी है। यह टापू जिस पर, यह आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिस पर 20 से 30 लोग बड़े आराम से बैठकर भोजन कर सकते हैं। इसी टापू का मैंने आपको एक दूसरा दृश्य भी दर्शाया है जो रात्रि के समय का है। यह रात्रि के समय यह टापू इस तरह का प्रतीत होता है। क्लियर है बच्चों, अब बात करते हैं इसमें आगे। हरियाणा के किस मंत्री ने गोहाना की नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का लोकार्पण किया। देखिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में किसके द्वारा किया गया भाई, यह जय प्रकाश दलाल के द्वारा किया गया। आप सबको पता है जय प्रकाश दलाल कहां से एमएलए है, लोहारू से, ये लोहारू से एमएलए है। और वर्तमान में यही पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, किसान कल्याण, कृषि किसान कल्याण विभाग के मंत्री है। यानी कि वर्तमान में कृषि कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, जय प्रकाश दलाल। उन्हीं के द्वारा गोहाना में इस अनाज मंडी में अटल मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई। जब उन्होंने इस कैंटीन की शुरुआत की तो उसमें मौजूद रहे, उन्हीं के साथ कहाँ के सांसद मौजूद थे, सोनीपत के। और सोनीपत के उन सांसद का क्या नाम है, रमेश चंद्र कौशिक। रमेश चंद्र कौशिक की ग्रीमा में उपस्थिति में जय प्रकाश लाल के द्वारा शुरू की गई है कैंटीन। इस कैंटीन में जो मजदूरों को है मात्र कितने रुपए में पौष्टिक भोजन खिलाया जाएगा, 10 रुपए में पौष्टिक भोजन खिलाया जाएगा। जबकि हरियाणा सरकार को इस भोजन की थाली पर कुल कितना खर्च आता है, 25 रुपए का खर्च आता है। और ये जो कैंटीने हैं स्वयं सहायता समूह को दी गई है। इसमें अगर बताना चाहूँ तो इसमें जो 15 रुपए का गैप आता है, वह 15 रुपए का गैप किसके द्वारा वहन किया जाता है, 15 रुपए का जो गैप आ रहा है यह वहन करेगा जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। किसके द्वारा वहन किया जाएगा भाई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस गैप को वहन करेगा। अगर इसमें आपको और बताना चाहूं तो इसके साथ साथ उन्होंने बुटाना में एक जल घर के नवीकरण के लिए भी, नवीनीकरण के लिए भी कितने रुपए देने भाई, 3,33,00,000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 3,33,00,000 रुपए दिए। और साथ ही 3 ट्यूबवेल कनेक्शनों का भी लोकार्पण किया। उसके अलावा उन्होंने एक बात की और घोषणा की कि बड़ौदा में अब चावल रीलिंग मिल लगाई जाएगी। और यह चावल रीलिंग मिल किसके द्वारा लगाई जाएगी, एफर्ड के द्वारा लगाई जाएगी। और इस चावल रीलिंग मिल की कुल लागत कितने करोड़ रुपए होगी, 12 करोड़ रुपए होगी। यानी कि बड़ौदा में चावल मिल लगाने की घोषणा और उसी के साथ गोहाना में यह अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई भाई, जय प्रकाश दलाल के द्वारा की गई। अब अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कोरोना मरीजों की देखभाल अब किसके द्वारा की जाएगी। जो हरियाणा सरकार ने कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए किस संस्था से समझौता किया है, तो किस संस्था से समझौता किया है भाई, स्टेप 1 एनजीओ से समझौता किया है। एनजीओ जिसकी फुल फॉर्म आप सबको पता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
उससे समझौता किया, उस एनजीओ का नाम क्या है, स्टेप वन एनजीओ। स्टेप वन एनजीओ से हरियाणा सरकार ने यह समझौता किया है कि अब हरियाणा में जो भी कोरोना के मरीज होगी उनकी यह देखभाल करेगी। तो इस स्टेप वन एनजीओ की अगर बात करना चाहूं मैं, प्रबंध निर्देशक जिनका नाम है सुचिन बजाज, सुचिन बजाज जी ने बताया कि हमारे इस एनजीओ के साथ कितने डॉक्टर जुड़े हुए हैं, भाई 7000 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, 2000 नर्स जुड़ी हुई है, उसके अलावा मेडिकल के जो छात्र हैं वह अन्य लोग जुड़े हुए हैं। यानी कि यह संस्था अपनी सेवाएं दे रही है और यह संस्था अपनी सेवाएं भारत के कुल कितने राज्यों में दे रही है, 16 राज्यों में दे रही है। यह मरीजों की देखभाल के लिए उनके साथ टेलीफोन से या फिर वेब टेलीस्क्रीन के माध्यम से संपर्क करती है, ताकि कोरोना के मरीजों को आवश्यकता के अनुसार सभी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। यानी कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए, कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए ही हरियाणा सरकार ने स्टेप वन एनजीओ से समझौता किया है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए हरियाणा के कितने विश्वविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जो परीक्षा प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए हरियाणा के कितने विश्वविद्यालयों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 4। वो 4 विश्वविद्यालय कौन से हैं? एक आपका हिसार का है भाई, GGU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं। दूसरी आपकी है भाई विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है, पलवल में। इसके अलावा आपका चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, जींद में। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, भिवानी में। यानी कुल कितने विश्वविद्यालय से समझौता किया है, 4 विश्वविद्यालय से समझौता किया है। यह जो सुविधा है यह अंतिम वर्ष के छात्रों छात्रों और रीअपीयर अपीयर के छात्रों को दी गई। वो 2 से 3 महीने में किसी भी समय अपना एग्जाम दे सकते हैं और इसमें साथ साथ यूनिवर्सिटी के द्वारा एक पर्सन बैंक का भी निर्माण किया गया। इस पर्सन बैंक में जब भी विद्यार्थी अपना पेपर देने के लिए बैठेगा तो वही सॉफ्टवेयर अपने आप ही बच्चों के लिए अलग अलग प्रश्नों का इंतजाम करेगा। यानी कोई भी अगर विद्यार्थी 2 एक साथ एग्जाम दे रहे हैं तो उनके प्रश्न आपस में मैच नहीं होंगे, सभी के क्वेश्चन अलग अलग होंगे। इस तरह का फैसला लिया है। ये आपको मुख्य द्वार दर्शाया गया है आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी का, भाई चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का। ये मुख्य द्वार दर्शाया गया चौधरी रणवीर सिंह की यूनिवर्सिटी का, चौधरी रणवीर सिंह। या आपको याद दिला देना चाहता हूँ, भारत की संविधान सभा में हरियाणा की तरफ से भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, चौधरी रणवीर सिंह। और आपको बंसीलाल का तो पता ही, हरियाणा के लोहे पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा के विकास पुरुष, 1970 में संपूर्ण में बिजली पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी बंसीलाल। उसके बाद आगे बात करते हैं, हरियाणा की नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 कब से लागू होगी। जो हरियाणा की नई उद्योग एवं रोजगार नीति कब से लागू होगी, भाई 1 नवंबर से लागू होगी। क्योंकि 1 नवंबर को आप सबको पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, हरियाणा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 1 नवंबर के दिन ही हरियाणा का गठन हुआ था, क्योंकि हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। संविधान में 18वें संविधान संशोधन के द्वारा देश के 17वें राज्य के रूप में स्थापना हुई थी हरियाणा की। क्लियर है बच्चों? हरियाणा किससे अलग हुआ था, पंजाब से अलग हुआ था। तो इसमें 1 नवंबर को नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। इस नई औद्योगिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य, अगर मैं आपको बताना चाहूं, नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रखा है सरकार ने, एक तो रोजगार को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? रोजगार बढ़ाना। और रोजगार के साथ साथ ही किसको बढ़ाना? निवेश को बढ़ाना। यानी रोजगार और निवेश दोनों को बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने जो पलवल में हमारा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, जिसके वाइस चांसलर राज नेहरू है, उन्हें
एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कहा है जिससे कि बच्चों को बिहेवियल जो एटीट्यूड है उसका कोर्स करवाया जा सके। और ये बिहेवियल एटीट्यूड का जब कोर्स करेंगे बच्चे तो उन्हें साथ में इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो उन सहायक होगा उन्हें क्या प्रदान करने में, रोजगार प्रदान करने। क्योंकि वर्तमान सरकार के द्वारा हरियाणा में जो रोजगार हरियाणा के लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया है, कितने प्रतिशत रोजगार देना, 75% रोजगार देना हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के उद्योगों में अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पहली बार कंपोजिशन डीलर पर 10,000 रुपए लगने वाली जो लेट फीस थी उसे घटाकर कितने रुपए किया गया। जो 10,000 से उस लेट फीस को घटाकर कितने रुपए कर दिया गया बच्चों, 500 रुपए कर दिया गया। अब आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन डीलर क्या होते हैं। कंपोजिशन डीलर में वो छोटे एवं मंझले व्यापारी आते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। जिनका टर्नओवर कितने से कम है, 1.5 करोड़ से कम है, वो कौन से डीलर कहलाते हैं, कंपोजिशन डीलर कहलाते हैं। इन कंपोजिशन डीलरों को सरकार ने अब कितनी छूटें दी है, 2 छूटें दी है। एक तो जो जुर्माना 10,000 से घटकर यानी कितने रुपए कर दिया गया, 500 रुपए। दूसरी जो छूट दी है, अब इन्हें वर्ष में एक ही बार जीएसटी फोर फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब इन्हें वर्ष में कितनी बार जीएसटी फोर फॉर्म अप्लाई करना होगा बच्चों, एक ही बार इन्हें जीएसटी फोर फॉर्म अप्लाई करना होगा। और इस जीएसटी फोर फॉर्म की भी इन्होंने तिथि बढ़ा के हरियाणा सरकार के द्वारा क्या कर दी गई है, 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई। क्या कर दी गई है, 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, मन की बात में पीएम मोदी ने हाल ही में किसान कवल सिंह चौहान का जिक्र किया जिनका संबंध किस गांव से है, जिनका संबंध किस गांव से, अटेरना गांव से। किसान कवल सिंह चौहान हरियाणा के एक प्रगतिशील किसान है। अगर मैं बात करना चाहूं तो किसान कवल सिंह की इन्होंने जो खेती करनी शुरू की थी, इन्होंने खेती करनी कब शुरू की थी बच्चों, 1978 में खेती करनी शुरू की थी। किसान कवल सिंह जी ने खेती करनी कब शुरू की थी, 1978 में खेती करनी शुरू की थी। स्टार्टिंग में जब इन्होंने खेती करनी शुरू की तो ये पारंपरिक खेती यानी चावल और गेहूं की खेती कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जब 20 वर्ष तक लगातार चावल गेहूं की खेती की तो भी ये अपने ऊपर चढ़े हुए कर्ज को नहीं उतार पाए। फिर इन्होंने 1998 की अगर मैं बात करना चाहूं, 1998 में इन्होंने बेबी कॉर्न और मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी। 1998 में इन्होंने बेबी कॉर्न और मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी। फिर 2009 में इन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई। तो आज उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट में लगभग 200 लोगों को रोजगार दे रहे। और इनकी इस यूनिट में जो निर्मित उत्पाद न केवल भारत में बल्कि अमेरिका इंग्लैंड तक में सप्लाई किए जा रहे हैं। कहाँ पर सप्लाई किए जा रहे हैं, अमेरिका इंग्लैंड तक सप्लाई किए जा रहे हैं। फिर आपको बात करना चाहूँगा मैं 2014 के एक एक्ट की। 2014 में एक एक्ट था आपका कृषि उपज मंडी समिति, इस कृषि उपज मंडी समिति एक्ट में यह प्रावधान था कि पहले आप अपनी फल और सब्जी अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते थे, लेकिन इस एक्ट से जब से फल और सब्जी को बाहर किया गया तो आप अपनी मर्जी से इन्हें कहीं पर भी किसी भी स्थान पर बेच सकते हैं। अब बात करना चाहूं मैं 2019 की, तो 2019 में इन्हें कौन सा सम्मान मिला, पद्म श्री से सम्मानित किए गए। और 2019 में पद्म श्री से कौन सम्मानित किए गए, किसान कवल सिंह चौहान सम्मानित किए गए। और इसी किसान कवल सिंह चौहान का वर्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। क्लियर है बच्चों, तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी प्रकार के स्टडी मटेरियल या कोई आपकी क्विज या इंपॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट्स वीडियो जो कुछ भी आप जानना चाहते हो तो आप कृष्णा क्लासेज को
इस चैनल पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार के स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो हमारा कृष्णा क्लासेज का ही एक ऐसी पब्लिकेशन जिस पर आप बुक बड़ी आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, और यह आपके सामने व्हाट्सएप नंबर दर्शाया गया स्क्रीन पर। धन्यवाद।